और आज बसंत पंचमी का पर्व है। पूरे हिंदुस्तान के अंदर बसंत पंचमी धूमधाम से मनाई जा रही है। धार की अगर बात करें तो यहां पर बसंत पंचमी के पर्व पर विशाल शोभा यात्रा जो है निकाली जा रही है। भोजशाला भी आपको बता दें कि पहुंची है ये शोभा यात्रा। मां सरस्वती के चित्र को स्थापित कर महाआरती भी की गई। शोभा यात्रा की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। इस शोभा यात्रा में मां सरस्वती की तस्वीर को रख कर भ्रमण करवाया गया और फिलहाल ये शोभा यात्रा जो है भोजशाला पहुंच चुकी है। और इस पूरी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता जो हैं जुड़ गए हैं पीयूष पारे, जो इस वक्त भोजशाला में मौजूद भी हैं। आपको बता दें कि भोजशाला तक ये जो शोभा यात्रा पहुंच चुकी है, धर्मसभा भी जो है शुरू हो चुकी है और कपिल मिश्रा जो है संबोधन कर रहे हैं। क्या कुछ फिलहाल आपके पास अपडेट है, बताइए पीयूष। हाँ बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से आज वसंत पंचमी का ये त्योहार है और धार की बात करें तो भोजशाला में अल सुबह से यहाँ पर जो है बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और इसके साथ में जो शोभा यात्रा धार नगर में निकाली जाती है, तस्वीरों में आप देख रहे हैं किस तरीके से ये शोभा यात्रा नगर भ्रमण करते हुए सीधे तौर पर भोजशाला पहुंची है और इसमें जो माँ वाग्देवी का तेल चित्र यानी कि जो चित्र है माँ वाग्देवी का उसे यहाँ पर स्थापित किया गया है और उसके बाद में तमाम जो श्रद्धालु है इसका विशेष यहाँ पर पूजन कर रहे हैं और वाग्देवी का पूजन के साथ साथ में आज वसंत पंचमी का ये त्यौहार मनाया जा रहा है। इसके अलावा अगर बात करें तो यहाँ पर महाआरती आयोजित की गई, बड़ी संख्या में श्रद्धालु भोजशाला के इस प्रांगण में मौजूद रहे और उसके साथ ही जो यज्ञशाला है वहाँ पर भी श्रद्धालुओं ने आहुति दी है। जो कपिल मिश्रा हैं बीजेपी के नेता, वो विशेष तौर पर आज मुख्य अतिथि हैं इस कार्यक्रम के और फिलहाल धर्मसभा यहाँ पर आयोजित की गई है, उसे भी कपिल मिश्रा संबोधित करेंगे। और कुल मिलाकर आज का ये खास दिन था, चुनौतियां भी काफी थी। जिस तरीके से यहाँ पर हर बार वसंत पंचमी पर पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट पर रहता है, एक बार फिर से हम दर्शकों को तस्वीर भी दिखा दें। मेरे ठीक पीछे आप अगर देखें तो ये भोजशाला का मुख्य द्वार है और जो श्रद्धालु है यहाँ पर लगातार पहुंच रहे हैं, सुरक्षा के इंतजाम हैं और आप देखें कि वो माँ सरस्वती मंदिर भोजशाला ये तस्वीर है और श्रद्धालुओं का आगमन यहाँ पर सूर्यास्त तक जारी रहेगा। शाम तक जो यज्ञशाला इस प्रांगण के अंदर बनाई गई है उसी यज्ञशाला में आहुति भी यहाँ पर तमाम श्रद्धालु देंगे। सुरक्षा के लिहाज से दो कलेक्टर हैं धार के, SP हैं, SSP स्तर के अधिकारी हैं, अलग अलग थानों के जो प्रभारी हैं वो भी यहाँ पर जो है वो सुबह से लगातार तैनात हैं, सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त भी किए गए हैं। धार कलेक्टर ने भी यहाँ पर खुद कतार में लगकर दर्शन किए, सबसे पहले उन्होंने यहाँ पर जो यज्ञ है उसमें आहुति दी और उसके बाद में जो माँ सरस्वती का चित्र है उसका भी यहाँ पर उन्होंने पूजन किया। उनका कहना है कि सांप्रदायिक सौहार्द की एक तस्वीर आज धार में देखने को मिली है। तमाम जो श्रद्धालु हैं पूरी शांतिपूर्वक आज वसंत पंचमी का ये त्यौहार मनाने के लिए पहुंचे हैं। तो धर्म संसद होगी, उसके बाद में कपिल मिश्रा पत्रकारों से भी रूबरू होंगे और साफ तौर पर बड़ी संख्या में आज श्रद्धालु इस मौके पर धार नगरी में पहुंच रहे हैं। जी जी पीयूष, आपका धन्यवाद तमाम हमें तस्वीरें दिखाने के लिए। तो फिर आपको बता रहे हैं धार का ये आयोजन जो कि बसंत पंचमी पर रखा गया है, शोभा यात्रा की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो कि फिलहाल भोजशाला पहुंच चुकी है और माँ सरस्वती के चित्र को स्थापित कर महाआरती भी हो गई है और धर्मसभा का यहाँ पर आयोजन है जिसमें संबोधन करने जा रहे हैं कपिल मिश्रा।